चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट इंजन वर्क बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स 1000 केल्विन एंड 300 केल्विन। इट ड्राइव्स अ रेफ्रिजरेटर विच पिक्स अप हीट फ्रॉम स्पेस हैविंग टेम्परेचर 200 केल्विन एंड रिजेक्ट हीट टू द एटमोसफेयर। ये भी एटमोसफेयर को रिजेक्ट करता है। इफ़ बोथ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट 150 किलो जूल ईच, ठीक है, दोनों ने रिजेक्ट किया है टू द एटमोसफेयर, देन द फाइंड नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कम्बाइंड सिस्टम। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किए तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ इतना भी मुश्किल नहीं होगा। आपको दिखाता हूँ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक हीट इंजन है जो 1000 केल्विन से हीट ले रहा है, ठीक है, कुछ वर्क कर रहा है, देन कुछ हीट रिजेक्ट कर दे रहा है 300 केल्विन पे, और ये रिजेक्शन 150 किलो जूल है, ठीक है। इसके बाद इसी का कुछ पार्ट ये रेफ्रिजरेटर को देता है और कुछ पार्ट नेटवर्क पे मिल जाता है, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। रेफ्रिजरेटर हीट पिक करता है 200 केल्विन वाले स्पेस से, ठीक है, और रिजेक्ट करता है वही एटमॉस्फेयर पे 300 केल्विन पे, और रिजेक्शन इसका भी 150 किलो जूल है, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो 0.7 है, तो रिजेक्शन 0.3 हो जाएगा, 0.3 टाइम्स ऑफ द क्यू इट इज़ सप्लाइंग टू द हीट इंजन, ठीक है। 0.3 ऑफ क्यू इज इक्वल टू 150 है, ठीक है, तो यहाँ से क्यू आपका 500 आ जाएगा, तो ये आपका 500 किलो जूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 0.7 है, 0.7 एफिशिएंसी मतलब ये 350 किलो जूल इसने जनरेट किया होगा। अब 350 जनरेट किया, बट यहाँ पे 150 देने के लिए इस पे वर्क इनपुट कितना देना पड़ेगा, ये भाई आप सिंपली निकाल सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप से निकाल सकते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर से भी निकाल सकते हैं, जो आपका मन करे उसे निकाल लो, क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अब देखिए COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, T हायर माइनस T लोअर, ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200, दैट इज 3, COP 3 है। इस COP 3 ओपन होने का मतलब क्या है कि अगर 1 किलो जूल का वर्क मैं करूंगा तो ऊपर जो हीट सप्लाई करेगा ये, ठीक है, हायर टेम्परेचर पे, वो 3 किलो जूल करेगा। तो जब ये 150 किलो जूल सप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कितना दिया होगा, 50, ठीक है। 350 इंजन ने टोटल डेवलप किया था, 50 रेफ्रिजरेटर ने यूज़ कर लिया है, तो आउटपुट कितना देगा वो कंबाइंड सिस्टम, 300, ठीक है, सिंपल आपका आंसर 300 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ रिवर्सिबल साइकिल रिसीव्स 40 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री फ्रॉम हीट सोर्स ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस, द हीट रिजेक्शन टू द हीट सिंक इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्लाउसियस इन इक्वालिटी लगानी है। जब भी आपका रिवर्सिबल इंजन है तो आपका क्लोज इंटीग्रल DQ/T विल बी इक्वल टू 0, सिंपल यही करेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 127 का मतलब क्या है, 400, ठीक है, प्लस 37 किलो जूल डिवाइडेड बाय 97 का मतलब क्या है, 370, माइनस क्योंकि रिजेक्ट किया है 47 डिग्री पे, ठीक है, 47 डिग्री मतलब 320 केल्विन पे, ठीक है। तो इस पे क्या रखें कि इसका समीशन 0 आ जाए, ठीक है, बहुत इजी है, ये 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया, ठीक है, 0.1 प्लस 0.1 0.2, ठीक है, तो ये जो टर्म है ये भी आपकी 0.2 आनी चाहिए, इसमें इट मींस एक्स की वैल्यू आपकी 64 किलो जूल अगर होगी तो 0.2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O at this temperature and this pressure and temperature will exist as। देखिए ये जो कंडीशन है ये H2O के ट्रिपल पॉइंट की दी हुई है, और ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि उस पर आइस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, और वेपर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, आइस वाटर हो सकता है, वाटर आइस हो सकता है, और वेपर आइस भी हो सकता है, ठीक है, वेपर और वाटर भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, या फिर कोई एक सिंगल फेज भी हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ऑल ऑफ द थ्री क्लिक किया था तो आपका आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इनिशियली इवैक्यूएटेड टैंक ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब डेवलप्स अ टिनी होल, एटमोस्फेरिक एयर एंटर्स इनसाइड द टैंक स्लोली इनफ दैट द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द टैंक इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक एयर। If the outside pressure is 100 kilopascal, then find the heat transferred through the tank when the pressure inside the tank reaches 100 kilopascal. ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए ये टैंक आपका है और यहाँ से हल्का सा होल हो गया, ठीक है, और ये वॉल्यूम इसकी 10 मीटर क्यूब है, ठीक है, 10 मीटर क्यूब। अब जब वो इतना स्लो इसमें से आ रही है कि हीट यहाँ अगर एक्स्ट्रा जनरेट हो रही तो वो बाहर फिर से चली जा रही है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर इमेजिनरी बाउंड्री मान के चलूँ जो कि 10 मीटर क्यूब की थी, तो वो अंदर आई और एज इट इज़ उसकी जो एक्स्ट्रा हीट अगर जनरेट हुई तो वो बाहर चली गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा हीट बाहर चले जाने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इक्वेशन होता है, एक सिंपल इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, डी क्यू विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं हो रही इसमें, क्योंकि हीट जितना यहाँ एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है वो तुरंत से रिलीज हो पा रही है और स्लो तरीके से चीज़ें आ रही हैं क्योंकि इसमें छोटा होल है। देखिए, आप इसको अनस्टडी स्टेट के उस इक्वेशंस लगा के भी कर सकते हैं, बट चूंकि ये ESC का कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है तो आप उतना इसके अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन ही काम करेंगे। डी क्यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इस पर्टिकुलर केस में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ है पूरे आपका सिस्टम का, चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ है वो 10 मीटर क्यूब है और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हुआ है, ठीक है। तो 100 किलो पास्कल इंटू वॉल्यूम चेंज 10, ठीक है, तो 1000 किलो जूल, मतलब कि 1 मेगा जूल। आई होप आपको समझ आया होगा। ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑफ द रियल गैस द स्लोप ऑफ प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर डायग्राम इन द कूलिंग रीजन इज, देखिए पॉजिटिव होता है, आपको बता देता हूँ, जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो कर्व होता है वो कुछ आपका कॉन्स्टेंट एंथैल्पी कर्व्स ऐसे ही बन के आते हैं, ठीक है। ये आपका इन्वर्जन कर्व होता है, ठीक है, जहाँ स्लोप आपका एग्जैक्टली ज़ीरो होता है, ठीक है, H1, H2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो और ये जो रीजन होता है ये आपका कूलिंग रीजन कहलाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर कम कर रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन आ रहा है, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ये कूलिंग रीजन हुआ, और कूलिंग रीजन में ये जो स्लोप है ये आपका पॉजिटिव रहता है, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इनिशियली एट 500 केल्विन टेम्परेचर, अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज कनेक्टेड बिटवीन दिस ब्लॉक एंड लेक, फाइंड द मैक्सिमम वर्क विच कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द हीट इंजन, लेक इज एट द टेम्परेचर 300 केल्विन एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द ब्लॉक इज दिस। देखिए बहुत ही सिंपल है, ऐसे पर्टिकुलर केस में जो एंट्रोपी के होते हैं, जो अवेलेबिलिटी के होते हैं, मैं उसमें हीट इंजन लगा देता हूँ या रेफ्रिजरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा ये ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है, 500 केल्विन पे है, इस पे मैंने हीट इंजन लगाया ताकि मैक्सिमम जो वर्क है वो मैं निकाल सकूं। इसने मान लो क्यू हीट दी, ठीक है, Q1, और रिजेक्ट हुआ Q2 जो कि हो रहा है लेक में, ठीक है, लेक का टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो देखिए भाई, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस इसका मतलब है जो एंट्रोपी का जो चेंज है वो ज़ीरो रखना पड़ेगा ताकि हमें मैक्सिमम वर्क मिले। ज़ीरो रखने के लिए क्या है, सम दोनों का इक्वल टू ज़ीरो होगा। इस जो आपका ब्लॉक का चेंज हुआ, ब्लॉक में जो चेंजेस आए एंट्रोपी के, वो क्या होंगे, MC ln T फाइनल, फाइनली 300 केल्विन चला जाएगा, इनिशियली 500 केल्विन पे था, ठीक है, प्लस इसने जो गेन किया Q2 डिवाइडेड बाय किस टेम्परेचर पे किया, 300 पे, विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस इक्वेशन से आपका Q2 आ जाएगा, क्योंकि मास गिवन है, C आपको गिवन है और सारी चीज़ें गिवन है, Q2 आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। और Q1 क्या है, सिंपल आपका MC dT है, ठीक है, M गिवन है, C गिवन है, dT आपको पता है 500 से 300 पे आया है, तो ये आपका Q1 आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 आपका वर्क आ जाएगा मैक्सिमम जो पॉसिबल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इंजन कहीं भी सेट कर दें, बिंदास आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एट अ गिवन ऑफ सिस्टम एट एनी गिवन स्टेट इज, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं कह सकते, मैक्सिमम क्योंकि सराउंडिंग पे डिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी वो यूजफुल वर्क है जो हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वर्क ऑप्टेनेबल एज सिस्टम गोज टू डेड स्टेट नहीं, मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो हम निकाल सकते हैं, जो अपने यूज के लिए निकाल सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ न्यू टेम्परेचर स्केल नेम्ड DIG हैव आइस पॉइंट एज 50 यूनिट्स, -50 यूनिट एंड स्टीम पॉइंट एज -250 यूनिट्स, ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन दिस न्यू
स्केल शोज 100 यूनिट्स। देखिए टेम्परेचर स्केल्स का आपने सबने पढ़ा होगा, टी माइनस टी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाई टी स्टीम पॉइंट माइनस टी आइस पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्केल विल बी इक्वल टू टी माइनस टी आइस पॉइंट बाय टी स्टीम पॉइंट माइनस टी आइस पॉइंट ऑफ सेकेंड स्केल। अब देखिए एक जो बात है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के साथ इसने पूछा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, केल्विन को ही हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन जल्दी करना है, कैलकुलेशन इजी रखनी है, तो मैं पहले डिग्री सेल्सियस में आंसर निकालूंगा फिर उसको केल्विन में चेंज कर लूंगा। अब देखिए टेम्परेचर जब ये कह रहा है 100 यूनिट होगा न्यू स्केल में, माइनस इसका स्टीम पॉइंट माइनस 50 है सॉरी आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय इसका स्टीम पॉइंट माइनस इसका आइस पॉइंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट जीरो होता है, जीरो डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट 100 होता है माइनस जीरो, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 150 बाय 200 विल बी इक्वल टू टी बाय 100, ठीक है माइनस 200 सॉरी। तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, माइनस 75 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो केल्विन में टेम्परेचर है 198 हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस में और इसमें केल्विन में डिफरेंस जो आता है वो कितना आता है, 273 का जो है डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, आप सबको आना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 0.25, वट विल बी द कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट। ये आपने पढ़ा होगा हीट पंप का जो कॉफिशेंट रहता है विल बी इक्वल टू रेफ्रिजरेटर का जो कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस है प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन नीटा इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इन्होंने 0.25 दिया है, तो ये टर्म आपकी 4 हो गई, ये 1 उधर जाएगा, तो माइनस 1 दैट इज 3, सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन कंटेंस 2 kg, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास मल्टीप्लाई करना जनरली भूल जाते हैं, ऑफ वाटर वेपर मिक्सचर ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5, ठीक है, एंड एट अ प्रेशर 200 kPa हीट इज नाउ ट्रांसफर टू वेपर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल द ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीजेज टू 0.9 द टोटल हीट ट्रांसफर। देखिए भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रेशर 200 kPa की लाइन है, ये कह रहा है जब 0.5 ड्राइनेस फ्रैक्शन थी यहाँ से हीट करना शुरू किया और जब तक 0.9 नहीं होगी तब तक हमने हीट किया 0.5 से 0.9, तो यहाँ एंथैल्पी निकालो यहाँ एंथैल्पी निकालो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो एक तो आपका तरीका लंबा तरीका जो बनता है H1 आपका क्या हो जाएगा HF प्लस X1 HG माइनस HF, ठीक है, तो ये लंबा तरीका हो गया। H2 जब आप निकालेंगे उसमें भी सेम यही आएगा HF प्लस X2 HG माइनस HF, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्टली ही माइनस कर दूं, ठीक है, डायरेक्टली ही माइनस कर दूं तो ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, H2 माइनस H1 ये आपसे निकलवाया है इक्वल टू ये टर्म कॉमन है, ठीक है, HG माइनस HF, ठीक है, इंटू X2 माइनस X1, सिंपल है, ये निकालना है आपको। X2 0.9 है X1 0.5 है तो 0.4 इंटू HG माइनस HF, HG ये है HF ये, इनका डिफरेंस ले लेना जो भी डिफरेंस आएगा। मिस्टेक क्या करते हैं, मास से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन में किलो जूल गिवन है, तो इसको इंटू 2 और कर देंगे आपका ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड एट हायर प्रेशर P1 हैविंग एंथैल्पी दिस, ठीक है, इज थ्रोटल टू द लोअर प्रेशर P2, द एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एट P2 आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द फाइंड द ड्राइनेस। बहुत ही ईजी है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस किया है इन्होंने, ठीक है, तो ये हायर प्रेशर था ये लोअर प्रेशर था, तो इस पॉइंट से थ्रॉटल करके यहाँ आ गया, ठीक है, और इसका ये गिवन है यहाँ 500 किलो जूल पर kg है, ठीक है, यहाँ 400 है और यहाँ पे 900 है, ठीक है। तो इस पे जब आप निकालते हैं और थ्रॉटलिंग में आपको एक चीज़ ध्यान होगी कि एंथैल्पी का चेंज जीरो होता है, तो यहाँ पे एंथैल्पी 500 है, तो 500 विल बी इक्वल टू 400 प्लस एक्स 900 माइनस 400, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टील बिलेट 2000 kg की है, ठीक है, इज टू बी कूल्ड फ्रॉम, ये इस टेम्परेचर पे आपको कूलिंग करनी है 1200 से 450 केल्विन तक लेके आना, जो हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज टू बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और द एम्बियंट कंडीशंस आपको गिवन है 303 केल्विन है, द स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है स्टील का, द अवेलेबल एनर्जी, सिंपल सा यार मैं इसमें फिर से इंजन डाल दूंगा, ठीक है, अवेलेबल एनर्जी निकालना है तो मैं फिर से इंजन लगाऊंगा, ये मान लो मेरा बिलेट है, ठीक है, 200 kg का है
और इसका टेम्परेचर चेंज हुआ 1250 से 450, ठीक है। और इस ड्यूरेशन से हमने कुछ हीट दी है जो कि हीट इंजन ने यूज़ किया, उससे हमें कोई यूज़फुल वर्क मिला है, कुछ हीट रिजेक्ट हुई है जो कि आपका एटमोसफेयर में गई है जो कि आपका 303 केल्विन पे है। सिंपल सा हिसाब है, आपने को मैक्सिमम यूज़फुल वर्क निकालना है। मैक्सिमम यूज़फुल वर्क निकालने के लिए ये जो क्यू है ये आप निकाल लेंगे, MCDT दोनों चीज़ सारी चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा Q1, ठीक है। मान लीजिए ये Q2 है, Q2 कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो सम आपका जो है वो मैक्सिमम साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो रहेगा, ठीक है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसने जब हीट गेन करी है Q2/303 प्लस इसका जो चेंज आया है MCLNT(450/1250), ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सारी ये सारे नॉन है, ये नॉन है, Q2 यहाँ से आ जाएगा। फाइनली Q1 - Q2 जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, विद इन अ मिनट मेरे हिसाब से ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय द यूनिट मास ड्यूरिंग द साइकिल एज शोन। PV डायग्राम है, PV डायग्राम में अगर वर्क डन निकालना है तो एरिया अंडर PV डायग्राम जो नेट एरिया आता है वही आपका साइक्लिक वर्क होता है। हाँ, ऑप्शंस इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका था कि ऑप्शन में मिसप्रिंट था, 2 के फैक्टर से इन सारे ऑप्शंस को डिवाइड कर लेंगे आप, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने की वो है, ये स्केल आपका दिया हुआ है 1 cm = 300 kPa और 1 cm = 0.1 m³ है, ठीक है। इसका मतलब फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, एरिया को स्केल कर लेंगे, π/4d² इंटू 1 cm² का मतलब यहाँ से क्या है 300 × 0.1, ठीक है। डी की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो आपका 75 MJ आ जाएगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है। अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक, करेक्ट है, बहुत सही क्वेश्चन है। एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी बट एंट्रोपी जनरेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी, बहुत सही बात कह रहा है। इफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस हैज टू बी आइसेंट्रोपिक इट मस्ट बी नॉन एडियाबेटिक, बहुत सही कह रहा है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसका मतलब उसमें एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, फिर भी प्रोसेस को अगर आइसेंट्रोपिक बनाना है तो कुछ हीट रिलीज कर दो, हीट जब आप रिलीज करेंगे तो उसके साथ कुछ एंट्रोपी भी चली जाएगी, तो नेट बैलेंस होने का चांसेस है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन 3 इज अ केस अवेलेबल जो कि एडियाबेटिक नहीं है, फिर भी हम उसको आइसेंट्रोपिक कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन वो आइसेंट्रोपिक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टेडी फ्लो प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 H1 इज दिस H2 इज दिस एंड द एंट्रोपी चेंज फ्रॉम S1 टू S2 दिस देन द चेंज इन अवेलेबिलिटी एम्बियंट का, ये देखो अवेलेबिलिटी का जो चेंज निकालेंगे Δ5 वो आपका क्या होगा H1 - H2 - T0 S1 - S2, सारी चीज़ें आपको गिवन है, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 फंक्शन आपको नोन होना चाहिए, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली विद इन अ 15-20 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और खास कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, H1 - H2 (200 - 300) × (1.1 - 0.65), ठीक है, ये आ गया 150, ठीक है, 10 सेकेंड लगेंगे भाई बिना कैलकुलेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन 2 kg ऑफ वाटर वेपर मिक्सड मिक्सचर ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.4 एंड प्रेशर दिस, ठीक है, हीट इज नाउ ट्रांसफर टू द मिक्सचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अंटिल द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0.9 द टोटल हीट ट्रांसफर इज, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन है TS डायग्राम में, अब ये कह रहा है कि 0.4 ड्राइनेस फ्रैक्शन जब 0.4 था वहां से लेके 0.9 ड्राइनेस फ्रैक्शन तक गया है, इस पर्टिकुलर केस में कितना हीट सप्लाई किया है, ठीक है, हीट सप्लाई, या सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और पहले भी डाला था जिसमें H2 - H1 आपका क्या आया था X2 - X1 × Hg - HF, ठीक है,
सिंपल वही वैल्यूज आपको सब्सिट्यूट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मास का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर हैज अ क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ दिस, मीटर क्यूब पर केजी। अ क्लोज्ड एंड रिजिड स्टील टैंक ऑफ वॉल्यूम दिस कंटेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम एट दिस प्रेशर, द मास ऑफ द मिक्सचर इज दिस, देन द टैंक नाउ स्लोली हीटेड, द लिक्विड लेवल इन द टैंक विल राइज और फॉल। देखें, मान लीजिए ये टैंक है, इसमें ये लिक्विड लेवल है, ठीक है, और ऊपर इसमें वेपर्स हैं। अब ये इसको हीट करना स्टार्ट किया, अब जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पीवी डायग्राम में आप दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आप क्रिटिकल वॉल्यूम है 0.00315, ठीक है, और फिलहाल इसकी जो वॉल्यूम है, मान लीजिए ये प्रेशर आपका 0.1 मेगा पास्कल है, फिलहाल वॉल्यूम ये है और मास ये, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम फिलहाल क्या हुई 0.0025, इससे कम हुई। अब इसको अगर मैंने हीट किया, इसको अगर मैंने हीट किया तो इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, इसका मतलब है इसका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो डिक्रीज करेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है ये टुवर्ड्स लिक्विड कर्व बढ़ रहा है, लिक्विड कर्व बढ़ रहा है मतलब लिक्विड लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने का मतलब है लिक्विड लेवल बढ़ रहा है, तो इट विल राइज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगले टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, एप्टीट्यूड का रहेगा। ऑल द बेस्ट।